तो यार गाइज़ कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो गाइज़ यार वैसे तो थोड़ा लेट हो गया गणेश चतुर्थी की फ़ोटो एडिटिंग की वीडियो लाने में, लेकिन आज है हैप्पी गणेश चतुर्थी, तो आज हम करेंगे गणेश चतुर्थी फ़ोटो एडिटिंग। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और आपको वीडियो कैसी लगी ये कॉमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइज़ हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हमें सबसे पहले इस बैकग्राउंड को शेयर कर लेना है पिक्सआर्ट ऐप में। तो यहां से हम शेयर कर लेंगे पिक्सआर्ट ऐप में। तो गाइज सबसे पहले हमें जाना है यहां पर ऐड फोटो में, और यहां से हमें इस ढोल वाले की पीएनजी को ले लेना है डो। ठीक है, तो ये पहली वाली तो वैसे ही रखने हैं, लेकिन ये दूसरी वाले को हम इस तरफ रोटेट कर लेंगे और उसे यहां पर कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे। तो गाइस सेट करने के बाद अब हम लोग यहां से कर लेंगे फोटो को डन। और उसके बाद हम जाएंगे यहां पर इफेक्ट में, और यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है ब्लर मेनू, और यहाँ से हम ब्लर को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हम ब्लर को रखेंगे 4 पर, और यहाँ पर 4 पर सिलेक्ट करने के बाद हम लोग करेंगे फोटो को डन। गाइस अब हम जाएंगे फिर से ऐड फोटो में। तो यहाँ से हमें इस मॉडल की फोटो को ऐड कर लेना है इस तरह से, और उसके बाद हम जाएंगे कटआउट में। तो यहां से हमें इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो गाइस यहां पर मैंने ड्रॉ कर लिया है इस पीएनजी के ऊपर। तो अब यहां से हम फोटो को करते हैं डन। तो गाइस अब देख सकते हो थोड़ा सा हिस्सा रह गया है। तो अब हम यहाँ पर इरेज पर क्लिक करेंगे और हार्डनेस को यहाँ पर फुल कर लेंगे और साइज को थोड़ा सा कम कर लेंगे। तो गाइस जो भी हिस्सा यहाँ पर थोड़ा सा ख़राब हो आप उसे फिर से यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो या फिर इरेज कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, और ये हिस्सा रह गया है तो इसे हम इरेज कर लेंगे इस तरह से। तो गाइज मैं फटाफट कर लेता हूँ। गाइज यहाँ पर हमारा इरेज हो चुका है। तो अब यहाँ से हम फोटो को करते हैं डन, और इस पीएनजी को हमें सेट कर लेना है इस तरह से। तो गाइज यहाँ पर हमने सेट कर लिया है पीएनजी को, तो अब यहाँ से कर लेंगे डन, और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर टूल्स में, और यहाँ पर एडजस्ट में जाएंगे, और यहाँ पर ब्राइटनेस को पुल डाउन कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर इरेज में जाना है, और यहाँ पर हम हार्डनेस को डाउन कर लेंगे, और ओपेसिटी को भी थोड़ा सा डाउन कर लेंगे, और यहाँ पर साइज़ को भी थोड़ा सा डाउन कर लेंगे, और यहाँ पर हमें ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद यहाँ से हम करते हैं डन। तो यहाँ पर हम ब्राइटनेस को थोड़ा सा ऊपर की तरफ करेंगे, और अब जाएंगे यहाँ पर शैडो के ऊपर, और यहाँ पर शैडो को थोड़ा सा डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से करते हैं डन। अब हमें जाना है फिर से ऐड फोटो में। तो गाइज यहां से हमें इस ब्लू स्मोक कलर स्मोक पीएनजी को ऐड कर लेना है।
और उसके बाद यहाँ से कर लेंगे ऐड। तो सबसे पहले तो हमें इस PNG को यहाँ पर सेट करना है इस तरीके से। और अब हम जाएंगे यहाँ पर एडजस्ट में और यहाँ से हमें ह्यू को चूज़ करना है और यहाँ पर उसका कलर चेंज करेंगे और यहाँ पर उसका कलर रखेंगे हम ये पिंक वाला। और अब यहाँ से करते हैं हम डन। तो यहाँ से हम कुछ इस तरह से सेट करेंगे और यहाँ हम जाएंगे ओपेसिटी के ऊपर और ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है। तो अब हमें दूसरी PNG को यहाँ पर ऐड करना है और बिल्कुल उसी तरह हम जाएंगे फिर से एडजस्ट में और यहाँ पर ह्यू को चूज़ करेंगे और यहाँ पर उसका कलर फिर से वही रखेंगे। और अब यहाँ से करते हैं डन इस तरीके से। और अब जाएंगे ओपेसिटी में और यहाँ पर ओपेसिटी को थोड़ा सा डाउन कर लेंगे। और इस PNG को कुछ इस तरह के इस तरीके से हमें सेट करना है। और अब यहाँ से करते हैं हम डन। गाइज अब हम जाएंगे फिर से ऐड फोटो में और यहाँ से हम इस PNG को ऐड कर लेंगे और इस PNG को हमें ऊपर की साइड सेट करना है कुछ इस तरीके से। तो गाइज यहाँ पर हमारी PNG सेट हो चुकी है। तो अब यहाँ से करते हैं डन हम फोटो को। गाइज तो अब हम जाएंगे फिर से ऐड फोटो में और यहाँ से इस PNG को ऐड कर लेंगे और उसे कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट कर लेंगे। तो गाइज अब यहाँ से हम फोटो को कर लेंगे डन। तो गाइज अब हम हमारा पिक्चर जो है वो पिक्सआर्ट में रेडी हो चुका है। तो अब यहाँ से हम पिक्सआर्ट में कर लेते हैं फोटो को सेव और इस फोटो को अब ऐड कर लेंगे हम लाइटरूम ऐप में। तो गाइज लाइटरूम में आने के बाद हमको इस प्रेसेट को यहाँ से थ्री डॉट के ऊपर जाना है और यहाँ से कॉपी सेटिंग कर लेना है, ठीक है। तो गाइज अगर आपके पास ये प्रेसेट नहीं है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइज इस प्रेसेट को कॉपी सेटिंग करने के बाद हमने जो फोटो एडिट करा था उसे ओपन कर लेना है। तो गाइज इस फोटो को ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पर थ्री डॉट के ऊपर जाएंगे और यहाँ से पेज सेटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो गाइज आप देख सकते हो हमारी फोटो काफ़ी अच्छी लग रही है। तो अब हम जाएंगे थोड़ा सा कलर मेनू में और यहाँ पर थोड़ा सा ही वाइब्रेंस को बढ़ा लेंगे और अब जाएंगे मिक्स टूल में और यहाँ पर हम जाएंगे ऑरेंज कलर के ऊपर और यहाँ पर लुमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और उसके बाद यहाँ से कर लेंगे डन। अब हमें जाना है इफेक्ट मेनू में और यहाँ पर टेक्सचर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और क्लियरिटी को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और अब यहाँ पर विगनेट को हम थोड़ा सा डाउन करेंगे, बस थोड़ा सा ही डाउन करना है हमें। तो गाइस उसके बाद हम जाएंगे डिटेल्स में और यहाँ पर शार्पनिंग को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और यहाँ पर मास्किंग को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और नॉइज रिडक्शन को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और यहाँ पर कलर नॉइज रिडक्शन को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है हमें, बस थोड़ा सा ही। और यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तो गाइस यहाँ पर हमारा फोटो रेडी हो चुका है। तो यार गाइस यहाँ पर हमारा फोटो रेडी हो चुका है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो गाइस अब यहाँ से फोटो को कर लेते हैं सेव और गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार।